टुडे इज द डे, आई मीन आज मैं जा रहा हूँ सर्जरी करवाने. सो कल मैंने काफ़ी रिसर्च किया और एक टाइम ऐसा आया कि आई थॉट कि आई गिव इट सम मोर टाइम रिसर्च करने के लिए, बट इवेंचुअली आई थिंक करवाना ही है तो करवा लेते हैं बिकॉज मुझ मेरे पास टाइम कम है हीलिंग के लिए. हेलो एवरीवन, सो आई गॉट द सर्जरी डन एंड दिस इज हाउ इट लुक्स राइट नाउ. दे हैव पुट अ पैच ऑन माय आई. सो एक्सपीरियंस वाज कि ड्यूरिंग द सर्जरी व्हेन दे गिव यू एनेस्थीसिया देन इट पेन्स अ बिट एंड आफ्टर दैट व्हेन द एनेस्थीसिया स्टार्ट्स कमिंग ऑफ देन यू स्टार्ट फीलिंग अ लॉट ऑफ पेन इनटू द आई. सो आई वाज टोल्ड दैट यू कैन रिमूव द बैंडेज व्हेनेवर यू वांट. I'll do it in a while and it's been a tough time, tough last few hours. हेलो एवरीवन, सो आज है डे 3 आफ्टर माय सर्जरी. कुछ मेजर इम्प्रूवमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी भी सेम अमाउंट ऑफ टेंडरनेस है, सेम अमाउंट ऑफ रेडनेस है, स्वेलिंग है. सो आई एम होपिंग कि इट गेट्स बेटर बाय टाइम. आई स्टिल हैव द ब्लड विजन जिसका मुझे थोड़ा सा चिंता है कि ब्लड विजन क्यों नहीं जा रहा. रेस्ट इज मैनेजेबल. आई विल ऑल्सो अटैच अ पिक्चर ऑफ वॉट क्लियरली इट लुक्स लाइक ऑन डे 3 and I'll keep you guys updated how it is going on. I just hope everything falls in place. और बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम अभी हो नहीं रही है, थोड़ा सा इचीनेस, टेंडरनेस, रेडनेस वो रहेगा ही रहेगा, थोड़ा अनकम्फर्टेबल ऑफकोर्स होता ही है और वो रहेगा ही. सो आई एम होपिंग फॉर इट टू गेट बेटर. लेट सी. हेलो एवरीवन, सो आज 4th डे है एंड आज एक प्रॉब्लम हो गई. जैसे मैं सुबह उठा तो एक्चुअली क्या होता क्या है कि जब आप रात को सो रहे होते हो और सुबह उठते हो तो आपको कुछ फील नहीं होता कि सर्जरी जैसा कुछ हुआ भी है. तो मैंने गलती से अपनी आईज रब कर दी एंड यू कैन सी कि कितना टेंडर और कितना रेड हो गया है उसके वजह से. और अपार्ट फ्रॉम दैट अभी तक ब्लड विजन स्टिल देयर. थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इम्प्रूव हो रहा है बिकॉज मैं पढ़ पा रहा हूँ फ़ोन को थोड़ा दूर करके. पहले मुझे यहाँ तक फ़ोन करना पड़ता था, अब मैं थोड़ा दूर करके भी फ़ोन पढ़ पा रहा हूँ. तो आई गेस इट्स इम्प्रूविंग एंड आई होप इट इम्प्रूव. हेलो गाइस, सो इट्स डे 5 सर्जरी के बाद. आई जस्ट गॉट अप. सो कंपेरेटिवली मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है आज, क्योंकि अभी जस्ट मैंने देखा कि मैं मोबाइल का स्क्रीन थोड़े दूर तक भी देख पा रहा हूँ और ज़्यादा दूर का भी पता नहीं. यू कैन सी दी कंडीशन राइट नाउ. बाकी अभी ड्रॉप्स वगैरह डालना है, आई कीप यू अपडेटेड. हेलो गाइस, सो आज आई हैव टच द 1 week मार्क. आज पूरा 1 हफ्ता हो गया है आफ्टर द सर्जरी और प्रोग्रेस इज क्वाइट गुड. सो जो ब्लर्ड विजन जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसका काफ़ी मुझे इशू हो रहा था, वो अब काफ़ी हद तक हट गया है, ऑलमोस्ट 95% हट गया है. बट आई गेस थोड़ा सा मेरा जो प्रिस्क्रिप्शन है, आई प्रिस्क्रिप्शन ट्वीक होगा वो, बिकॉज शार्पनेस उतना, चश्मा लगा के उतना शार्पनेस नहीं आ रहा है जितना विदाउट चश्मा आ रहा है. सो आई गेस वो एक पॉइंट होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स फाइन. 1 हफ्ते बाद यू स्टार्ट फीलिंग क्वाइट नॉर्मल, बट आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर आई ड्रॉप्स, वो आपको रेगुलरली डालना है. सो रेडनेस एज यू कैन सी स्टिल देयर समवॉट. जब मैं इस साइड देखता हूँ तो यू कैन सी मेजॉरिटी ऑफ इट, बट ये भी शायद टाइम के साथ चला जाएगा. सो द प्रोग्रेस अप टिल नाउ इज क्वाइट गुड और फिर आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड. लास्ट 1-2 दिन मैंने वीडियो शूट नहीं किया बिकॉज इट वॉज ऑलमोस्ट सेम, सब कुछ सेम जैसा था. सो जो मेजर चीज़ होगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा. थैंक यू.
सो आज दो हफ्ते कंप्लीट हो गए सर्जरी को हुए, और आज दो हफ्ते बाद डॉक्टर ने बुलाया था विजिट के लिए। सो अभी मैं विजिट के लिए ही आया हूँ। एज फॉर द स्टेटस तो अभी आके ठीक लग रही है, पेन नहीं है, इचिंग भी कम है, रेडनेस भी कम हो रही है, बस थोड़ा विजन का है वो। आई गेस आज वो लोग बताएंगे मुझे क्या विजन है क्या नहीं है। हेलो एवरीवन, सो ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए बिकॉज जब मैंने अपने स्क्विंट की सर्जरी करवाई थी, एंड मुझे लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम जब मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि कैसा प्रोग्रेस है और क्या चल रहा है मेरे लाइफ में। तो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आई मूव टू USA फ्रॉम इंडिया आफ्टर सर्जरी, यहाँ पे कुछ मेडिसिंस कुछ आई ड्रॉप्स लिखा था डॉक्टर ने जो कि नहीं मिल रहा है, सो बट स्टिल इट्स फाइन। तो अभी आपको जैसा आप देख सकते होंगे, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ माई आईज राइट नाउ। ओके लेट मी टेक ऑफ माई ग्लासेस। सो ये कंडीशन है मेरे आईज की अभी तक, दिस वे अप डाउन। सो प्रिटी मच स्क्विंट टोटली कंट्रोल में है, एंड आई डोंट हैव एनी मोर स्क्विंट मेरे आंखों में और नहीं है। थोड़ा थोड़ा रेडनेस कभी आ जाता है, बट द डॉक्टर सेड कि अगर आप वो डालोगे आप ड्रॉप तो इट विल इम्प्रूव, बट वो ड्रॉप अभी यहाँ है नहीं। ओवरऑल आई एम रियली सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स, इट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस यू वर वेटिंग फॉर। नाउ अब आप किसी से मिलते हो तो आपको टेंशन नहीं होती है कि मेरा स्क्विंट होगा, इधर जाएगा उधर जाएगा। सो इट्स डेफिनेटली अ कॉन्फिडेंस बूस्टर। And at the end of that story, the crux is that I would really advise anyone going through squint, jiska exercise se nahi theek ho pa raha, of course, to take this surgery. But again, with a good doctor, do your research achhe se, uske baad take this surgery and you'll never regret the decision. Anyone going through this, I know it will feel bad initially. Bahut sare questions dimag mein aayenge, but trust the process.